ये जो कोविड-19 का टेस्ट है, प्रधानमंत्री इसको हुकूमत की तरफ से इसके अखराजात, इसके एक्सपेंडिचर को बर्दाश्त करे। भारत के गरीबों के पास प्रधानमंत्री 4,500 रुपये देकर इस कोविड टेस्ट कराने की उनके पास इस्तेतात नहीं है, उनके पास इतनी पैसे नहीं है कि अपने अफराद खानदान का टेस्ट करा सकें। हम भारत के वजीर आजम से, प्राइम मिनिस्टर से ये मुतालिबा करते हैं कि आपकी सरकार की ये जिम्मेदारी है, बल्कि आर्टिकल 21 के तहत राइट टू लाइफ आपकी जिम्मेदारी है कि आप इस टेस्ट को फ्री में कराएं। और मैं बहैसियत एमपी प्राइम मिनिस्टर से ये डिमांड करता हूं कि हर एमपी को एमपी लैंड के पैसे दिए जाते हैं, आप पूरे एमपी को इजाजत दीजिए कि हम वो एमपी लैंड के पैसों के जरिए हमारे कॉन्स्टिट्यूएंसी में जितने लोग चाहते हैं उनका हम फ्री में टेस्ट करवाएं। यानी हमारे एमपी लैंड के जो पैसे हैं, जो सालाना हमको दिए जाते हैं, हम उसके जरिए इन तमाम का टेस्ट कराएं। आप रेगुलेशंस और नॉर्म्स आप क्रिएट करिए। मैं स्पीकर लोकसभा से भी अदबन गुजारिश करता हूं कि स्पीकर साहब आप एक फैसला लीजिए, सरकार से कहिए कि एमपी लैड के जरिए हम इस कोविड-19 का, हमारे कॉन्स्टिट्यूएंसी के रहने वालों का, उनका टेस्ट करवा सकें। क्योंकि जब तक टेस्ट नहीं होगा हम नहीं जान सकते कि कौन किस जगह पर है, उसमें भी पॉजिटिव है या नेगेटिव है। और 4,500 रुपये भारत के गरीब नहीं दे सकते। खुदा ना खास्ता अगर ये फैल जाएगा तो टेस्ट टेस्ट टेस्ट, इसको रोकने का एक और तरीका सिर्फ यही है कि टेस्ट कराना चाहिए, टेस्टिंग होनी चाहिए। और इसके लिए हम प्रधानमंत्री से, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से मुतालबा करते हैं कि एमपीज के एमपी लैट से हमको इजाजत दीजिए आप। मैं हैदराबाद के कॉन्स्टिट्यूंसी के उन तमाम गरीबों के लिए अपने एमपी लैट से टेस्ट कराना चाहता हूं। जब तक हम टेस्टिंग नहीं करेंगे नहीं रोक पाएंगे।